हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं, फिर से बहुत सारे क्वेश्चन लाए हैं जो कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं, तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पर और भी 4-5 वीडियो हैं, मैंने सिर्फ UPPCL BRCE इसरो सब के रिगार्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस डाला हूँ, तो उसको भी आप जरूर जाकर देखिए। और चैनल पर नहीं तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन और वीडियो लाते रहता हूँ, तो आप जरूर एक बार सब्सक्राइब करें अगर आप ITI के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर क्या है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, की जो रेजिस्टेंस फाइंड करना है एक्स और वाई के बीच में फाइंड करना है। तो देख सकते हैं एक पॉइंट एक्स यहाँ है और एक पॉइंट वाई यहाँ है, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे करना है, ITI लेवल पर ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। देखिए इस 10 का वैल्यू देखिए, ये जो है वायर और ये वायर आपस में सीरीज में कनेक्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये फिर नीचे वाला ये वायर और ये वायर दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट है, दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट हो, इनका क्या हो गया, देखिए ये R1 और ये R2, ठीक है, 10 और प्लस 10, ठीक है। ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 10 और प्लस 10, ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 10 और ये 10 दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जब भी दो पॉइंट आपस में सीरीज में कनेक्ट हो तो उसको दोनों को हम ऐड कर देते हैं। आप सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है। तो देख सकते हैं दोनों हमारा 20 आ गया और 20 आ गया, तब क्या होगा, ये पैरेलल में हो गया। जैसे अब 20 ऐसे हो गया, एक तो 20 ऐसे हो गया, ठीक है, और इसके पैरेलल में ए बी सी एक और लग गया, ठीक है, जब दो हो गया, ठीक है, तो इसका भी 20 हो गया, इसका भी 20 हो गया। तो आपको पता है कि जब भी सेम वैल्यू के दो रेजिस्टेंस आपस में, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस जितने भी कनेक्ट होते हैं, अगर सेम वैल्यू का है तो जितने रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है उसको उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर 20 का दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ठीक है, 20 का जैसे ही दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर तो 20/2 कर देंगे, ठीक है, तो 20/2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 ओम, ठीक है। अब कैसे हुआ, देखिए 20 और 20 का दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो आप इसको इक्विवेलेंट भी निकालेंगे, तो 1/20 = 1/20, तो फिर यहाँ पर भी 10 आएगा। लेकिन हम आपको तरीका ये बता रहे हैं कि जब भी सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट हो पैरेलल में, जितना नंबर हो उससे आप कनेक्ट कर लीजिए। मतलब अगर यहाँ पर से एक और रेजिस्टेंस 20 का कनेक्ट होता है तो उसको हम 3 से डिवाइड कर लेते, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखिए, ए बी रेजिस्टेंस फाइंड करने का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि फाइंड द इन द फिगर, जैसे एक ट्रायंगल टाइप का फिगर दिया गया, इसमें क्या करना है, अक्रॉस ए और बी के अक्रॉस क्या करना है, रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको पता होगा अक्रॉस ए हो गया और बी यहाँ हो गया, दो पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं जो ए 8 ओम है ना और ए 4 ओम आपस में सीरीज में कनेक्ट है, इसके बीच में कोई पॉइंट नहीं आ रहा, ठीक है, कोई नोड नहीं आ रहा, तो आपस में कनेक्ट है। तो 8 और 4 क्या हो गया, 8 और +4 इक्वल टू क्या हो गया, 12 ओम हो गया, सीरीज में कनेक्ट हो गया, ठीक है। 12 ओम क्या हो गया, सीरीज में कनेक्ट हो गया। और फिर देखिए जैसे ही 12 ओम सीरीज में कनेक्ट हो गया, और देखिए यहाँ पर 6 ओम है ना, क्या है, इसके क्रॉस है, मतलब इसके पैरेलल में, क्योंकि यहाँ के बाद ना यहाँ के बाद ये अलग अलग हो जा रहा है, देख सकते हैं दो पॉइंट के बाद ये अलग अलग हो जा रहा है। तो 12 के साथ पैरेलल में कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो हमको पता है 12 जब भी दो रेजिस्टेंस दिया रहता है डिफरेंट वैल्यू का, तो हम इसको डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, इसे देख सकते हैं आप, 12 × 6/12+6, ठीक है। तो आपको देख सकते हैं 72/18, ठीक है, 72/18 इसका कोलेक्टेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 4 ओम रेजिस्टेंस, इसका कोलेक्टेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 ओम। आपको पता लग गया कि ए 8 और 4 सीरीज में है, तो सीरीज में हो गया तो 12 ओम इसका रेजिस्टेंस होगा। फिर 12 को 6 से हम पैरेलल में हो गया, ए 12 और 6 पैरेलल में हो गया, पैरेलल में हो जाने के कारण क्या हो गया, 12 × 6 = 72/12/6। आपको पता होगा R1 × R1 + R1 × R2 + R1 + R2 जब भी दो वैल्यू का डिफरेंस रेजिस्टेंस रहता है तो हम ऐसे ही निकालते हैं, तो 72/18 = 4, तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, कई बार इनकरेक्ट दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर गॉस लॉ। आप गॉस लॉ कूलम लॉ पढ़ते होंगे, तो गॉस लॉ बिल्कुल आसान सा है, इसको आपको पता होगा Q/ε0 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको जो गॉस लॉ का स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है Q/ε0 इसका करेक्ट फॉर्मूला होता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है,
द कर्व रिप्रेजेंट ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ का कैसा कर्व रिप्रेजेंट होता है, तो आपको पता है वी और आई का जो कर्व होता है कैसा होता है, लीनियर ही तो होता है, ठीक है। वी और आई का जो कर्व होता है कैसा होता है, लीनियर ही तो होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लीनियर, यानी कि डायरेक्ट ये हो जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट मटेरियल स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्यों कनेक्ट करते हैं, तो आप मेजरमेंट जब पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है आपको कि जो टेम्परेचर का होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। पूछा गया है कौन सा मटेरियल का बना होता है स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस बना होता है वो बना होता है एलाव ऑफ मैगनीन एंड कॉपर का, जो एलाव होता है उससे बना होता है, मैगनीन और कॉपर का जो एलाव होता है उससे बना होता है। आप हमें कमेंट ऑप्शन जरूर बताएं कि मैगनीन का कितना परसेंट होता है, कॉपर का कितना परसेंटेज होता है, ये चीज़ हमको कमेंट ऑप्शन आप जरूर बताइए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस किया कर सकते हैं, तो आपको बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं कि एक तो हम फ्रिक्शन के सहायता से भी, आपको देखा होगा आपने बच्चे में किया होगा कि बाल के अंदर आप जब भी लगाकर पेन को लगाकर और उसको कागज़ से टच करते थे तो क्या आ जाता था, उसमें एक घर मतलब क्या हो जाता था, एक इलेक्ट्रिसिटी टाइप का उसको मतलब ना कॉन्टैक्ट बन जाता था। तो इसीलिए क्या होगा कि आप फ्रिक्शन करके भी कर सकते हैं और इंडक्शन प्रोसेस तो है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब एक किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू, तब यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग वैल्यू है, तो यहाँ पर 3600 वाट का तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है, वाट से है ही नहीं, आप 4186 जूल भी नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर तो दो ऑप्शन ऐसे हैं, 3600 जूल है, जूल का भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, तो देखिए 860 किलो कैलोरी होगा, ठीक है, 860 किलो कैलोरी होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ कैलोरी को आपको कैसे कैसे करना होता है, कैलोरी के बारे में, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि एक कैलोरी में कितना होता है, कितना क्या होता है, ठीक है। तो आपको हम बता दें कि एक जूल में कितना कैलोरी होता है, ये चीज़ आपको पता हो जाएगा ना कि एक जूल में कितना कैलोरी होता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए ना, कैलोरी नॉट कैलोरी, एक सेकेंड हम बताते हैं, एक जूल में, वन जूल में कितना कैलोरी होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कितना कैलोरी होता है, तो ये चीज़ जब आपको पता होगा तो किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है, तो 860 का मतलब क्या हुआ, 8600 होगा, 860 का मतलब क्या हुआ, 2 0 और 3 0 और बैठ जाना, ठीक है, तभी तो जाकर किलो कैलोरी हुआ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक जूल में कितना कैलोरी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद किलो वाट आवर का मतलब क्या होता है, किलो मतलब होता है 1000 से, ठीक है, फिर उसको आप 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तब जाकर आपका वैल्यू इतना आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको पेपर में पूछा था कई बार, तो आप इसको सीधे याद कर लीजिए, आप इसको कैलकुलेशन करने से अच्छा याद कर लीजिए, क्योंकि सिंपल डाटा पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 860 किलो कैलोरी होता है, कि 860 किलो कैलोरी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक करेंट ऑफ 5 एम्पीयर फ्लो थ्रू द कंडक्टर अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट, बहुत ही क्वेश्चन है आपको, तो पावर डिसिप्लिन, पावर आपको पता है यहाँ पर एक डीसी सर्किट की बात की गई है, यहाँ पर कोई भी पावर फैक्टर नहीं दिया गया है, ठीक है, तो मतलब क्या है डीसी सर्किट होने के कारण क्या होगा, पी इजिकल टू डीआई कर लेते, 200 में अगर आप 5 से गुना करते हैं तो 5 × 10 हुआ 1000, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ना पी इजिकल टू क्या होता है, वी इंटू आई होता है, तो वी कितना है 200 है और गुणे 5 है, आप इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 वाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन थ्री फेज सिस्टम की बात करें, आपको पता होगा एक होता है स्टार कनेक्शन होता है, डेल्टा कनेक्शन होता है, एक होता है स्टार कनेक्शन होता है, ठीक है, दो कनेक्शन होता है थ्री फेज के अंदर, द रिलेशन आई इज इक्वल टू √3 IPS, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो IL इज इक्वल टू √3 IPS होता है वो किसी में होता है, वो हमारे डेल्टा कनेक्शन के अंदर होता है, ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ ऑप्शन देखिए डेल्टा कनेक्टेड लोड में होता है, ठीक है, और जो हमारा VL इज इक्वल टू √3 VPH होता है वो किस में होता है, जो स्टार कनेक्शन के अंदर होता है, ठीक है, और IL इज इक्वल टू IPH ये किस में होता है, ये स्टार कनेक्शन के अंदर होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है स्टार क्योरी होता है डेल्टा के अंदर होता है, √3 टाइम हो जाता है करंट, उसमें डेल्टा में करंट √3 टाइम हो जाता है और स्टार में करंट बराबर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया, देखिए इन्हें एसी सर्किट, ठीक है एसी सर्किट दिया गया है। यहाँ पर ना दो हमारे पास रिलेशन दिए गए हैं, सो एक 90 होगा इसमें, ठीक है क्वेश्चन में थोड़ा एरर होगा, ठीक है तो दो रिलेशन दिया गया है। तो आपको देखना क्या है, सबसे पहले देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास सेम वैल्यू दिया गया है। जब भी आपको वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 60, और यहाँ भी देखिए वी एम साइन, सॉरी ये 90 होगा एक, ठीक है वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 60, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले देखना क्या है, देखिए यहाँ पर भी साइन के फॉर्म में, यहाँ भी साइन है, मतलब दोनों सेम है। अगर साइन के जगह यहाँ पर कॉस रहता है ना, तो कॉस रहता तो क्या करते हम, कॉस रहने का मतलब हम इसको पहले साइन में कन्वर्ट करते हैं, फिर जाकर हम इसको करते हैं। तो साइन 90 माइनस 60 कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। और साइन 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना होता है, कॉस 30 का, सॉरी कॉस साइन 90 माइनस 60 क्या होता है, यहाँ पर एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा कैलकुलेशन करके मैं आपको बताता हूँ कितना इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन करने के बाद इसका करेक्ट आंसर आएगा कॉस 60 आ जाएगा, आई थिंक कॉस 60 आ जाएगा, कॉस नहीं कॉस 90 माइनस 60, कॉस 30 आ जाता है, कॉस 30 कॉस 30 आ जाएगा, ठीक है कॉस 30 का वैल्यू हो जाता है, कॉस 30 हो जाती है 0.866 हो जाती है, कॉस 30 का वैल्यू 0.866 हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको कैलकुलेशन कैसे करें, देखिए आप सीधे ध्यान रखें, जब भी प्लस वाले टर्म आ रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इस क्वेश्चन में कि फाइव वाले टर्म को क्या करते हैं। देखिए एक हमारे पास ना 90 बनेगा, ठीक है 90 माइनस 60 कर दीजिएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर इसको हम डिटेल में करें तो डिटेल में करने में थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, ठीक है मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें एरर क्या है कि 90 है, यहाँ पर दोनों में 60 नहीं है, एक में 90 है एक में 60 है। तो मैं आपको सीधे बता दिया हूँ कि 90 माइनस 60 कर दिया आपका कॉस 30 आंसर आ जाएगा, सॉरी कॉस 60 आ जाएगा आपका कॉस 30 आ जाएगा, सॉरी कॉस 30 आ जाएगा, 90 माइनस 60 कॉस 30 आ जाएगा, और कॉस 30 का वैल्यू 0.866 होता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ एरर था, इसलिए मैं आपको पूरा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ इसमें कैसे है। बट यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू होता तो हम उसको पहले कन्वर्ट कर देंगे, साइन 90 प्लस सीटा साइन 90 माइनस सीटा, इस दोनों में कन्वर्ट कर दे, तब जाकर इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। ऐसे घबराया नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग लग रहा है हमको, इसलिए मैं इसको उतना दिखा नहीं रहा हूँ डिटेल से। बट आप ध्यान रखिएगा चीज़ कि जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, यहाँ पर 90 होना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर इसका कैलकुलेशन सही से होगा, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसे इसको आप स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है इसमें आपको डाउट हो जाएगा, ठीक है आगे उसका स्किप कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा इन आर एल इन सीरीज आर एल सी सर्किट, ठीक है सीरीज आर एल सी सर्किट आपको पढ़ा होगा कि जब यहाँ पर आर होता है, एल होता है, ठीक है और सी होता है, ठीक है तो वहाँ पर सीरीज आर एल सी सर्किट होता है। सीरीज आर एल सी सर्किट में पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है तो आपको पता होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ठीक है तो आपको पूछा गया है कि चेंज द मैग्नीट्यूड चेंज रेजोनेंस कैन बी चेंज चेंजिंग द वैल्यू ऑफ, अच्छा अच्छा मैग्नीट्यूड को चेंज करना है, ठीक है तो चेंज करना है तो क्या होगा, 2 पाई तो कॉन्स्टेंट हो गया, तो एल और सी को हम वैरी करेंगे ना, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल और सी को हम वैरी करने पर तो हम इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा क्या है क्वेश्चन, द कैपेसिटिव सर्किट आर यूज, अच्छा पावर फैक्टर डैश पावर फैक्टर, तो आपको पता है कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी क्या करता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इंक्रीज करने का काम करता है पावर फैक्टर का। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट ऑफ ए साइनोसॉइड वेव इन द टाइम पीरियड ऑफ 0.05 मिली सेकेंड, ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मिली सेकेंड दिया गया है। तो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता होगा एक फार्मूला होता है टी इजिकल टू 1/f होता है, ठीक है तो यहाँ से हम f इजिकल टू क्या निकालेंगे, 1/t निकाल लेंगे, ठीक है हमारे पास फॉर्मूला आ गया एफ इजकल टू 1/t, ये चीज़ आपको ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो टाइम पीरियड दिया गया है टी इजकल टू कितना दिया गया है 0.05 × 10³⁻³ दिया गया है, क्योंकि मिली सेकेंड में है ना, ठीक है तो फिर हम चलते हैं अब इसको थोड़ा डिटेल से और कैलकुलेशन करते हैं। देखिए हमारे पास वैल्यू आ गया एफ इजकल टू क्या आ जाएगा, एफ इजकल टू आ जाएगा 1/0.05 × 10³⁻³, ठीक है अब इस 10³ को हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है तो 10³ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1000/0.05, ठीक है अब जैसे ही 0.05 को हम यहाँ से 0 को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो और चला जाएगा, ठीक है तो इस हम 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 टाइम्स, ठीक है अब 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है यहाँ पर जो 2 पर 4 जीरो आ गया, ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 पर
40 मतलब कितना हो जाएगा 20,000, 20,000 हर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता लग गया कि हमारे पास मिली सेकेंड दिया हुआ है, तो मिली सेकेंड का मतलब होता है क्या होता है 10^-3 होता है मिली सेकेंड का मतलब। ठीक है, और 0.05 दिया गया, और एफ का फॉर्मूला आपको पता है F=1/T होता है, तो यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि इतना ईजी से हम कर सकते हैं इसको, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 30 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन कैरिंग पावर और 33 kV। तो आपको पता है 33 kV को हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा लॉन्ग ट्रांसमिशन तो हो नहीं सकता, वो बिल्कुल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, द कैपेसिटिव, हाँ फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, द कैपेसिटिव सर्किट यूज टू, कैपेसिटिव सर्किट क्यों यूज करते हैं, तो आपको पता होगा पावर फैक्टर को हम इंप्रूव करने के लिए करते हैं कैपेसिटिव सर्किट को। ठीक है, आपको पता होगा एक फार्मूला होता है X=1/2πfc फार्मूला होता है। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला जैसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1/2πfc होता है। ठीक है, और कैपेसिटर में हमारे पास स्टैटिक कैपेसिटर होता है। ठीक है, एक स्टैटिक कैपेसिटर होता है, एक जो हम उसको क्या करते हैं पावर फैक्टर को इंप्रूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सिंक्रोनस कंडेंसर से भी करते हैं पावर फैक्टर को इंप्रूव, जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद फेज एडवेंचर भी होता है, बहुत अलग अलग चीज़ें होते हैं। ठीक है, इस सबसे हम करते हैं। फिर हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मतलब ना आपका मेजरमेंट का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आप सिलेबस है ITI उसको पढ़ते होंगे, तो उससे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पर ना वोल्ट मीटर का रेंज दिया गया है 0 से 150। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना है, हम कभी भी मैक्सिमम वैल्यू को लेते हैं ताकि हम सेफ रहें, तो यहाँ पर 150 दे दिया है मैक्सिमम। ठीक है, इसका उसके बाद बोला गया है इसका एक्यूरेसी है 1% है। ठीक है, एक्यूरेसी 1% है। ठीक है, 1% इसका एक्यूरेसी है। ठीक है, और उसके बाद फुल स्केल रीडिंग है, द वोल्टेज मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट इज 2075 वोल्ट, और मेजर कितना कर रहा है 75 मेजर कर रहा है। तो इसके बाद पूछा गया है लिमिटिंग एरर क्या होगा, तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर पता है कैसे निकालना है। देखिए आपको 150 दिया गया है रेंज है, तो 150 कर देंगे पहले, फिर उसके बाद कितना एरर है 1% का एरर है, बट मेजर कितना कर रहा है 75। ठीक है, और उसके बाद क्या है, फिर 100 से हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर हम 75 को 2 से यहाँ पर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरा। ठीक है, 75 को 2 से हम करेंगे तो पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 100 और 2 क्या हो गया 200 हो गया। ठीक है, 200 हो गया। ठीक है, 200 हो गया यहाँ पे, और उसके बाद 200 जैसे ही हो जाएगा यहाँ पे, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, नहीं नहीं सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर परसेंटेज में है तो हम इसको पूरा नहीं, परसेंटेज में 100 नहीं लगा सकते ना, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर ना फिर से हम कट होता है, तो 150 तो इसका रेंज दिया दिया है। ठीक है, 1% का एरर है इसमें, और उसके बाद इसका वैल्यू कितना रहा 75 वोल्ट मेजर कर रहा है। ठीक है, तो हम परसेंटेज निकालना है। ठीक है, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज के अंदर क्या हो जाएगा 75, और उसके बाद यहाँ पर 75 × 2। ठीक है, 2 हो गया, और 2 में 1 से गुणा करेंगे हम कितना हो जाएगा 2% इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जहाँ भी परसेंटेज आते हैं हम 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो 2% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 2% इसका करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हम कंफ्यूज हो गए थे, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में आपको दिया गया है ना, ऑप्शन में 200 दिया रहता था, हम परसेंटेज फिर 100 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोरिलेशन बिटवीन पीक एंड एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। आपको पता होगा ना पीक और एवरेज वैल्यू का हमारा रिलेशन होता है वो 0.637 होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप देखते होंगे, आप पढ़ते होंगे 2P/π वगैरह से रिलेशन पढ़ते होंगे, तो इससे आपको फाइंड कर लेंगे, तो इससे इतना ही आता है इसका वैल्यू, जो कि मैं आपको और याद रखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्पफुल होता है, इसको डाटा को याद रखना चाहिए आपको। फिर हम जो थे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्या है कि देखिए क्वेश्चन है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में, ठीक है, जैसे 6 ओम का 3 प्रतिरोध है, ठीक है, और तीनों का वैल्यू सेम है, तो आपको मैं पहले ही बता रखा हूँ कि जब भी सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो और जितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उससे हमको उसको डिवाइड करना है, तो 6 ओम का 3 रेजिस्टेंस है। ठीक है, 6 ओम का है कितना रेजिस्टेंस है 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। UPSC JEE में पूछा गया, कितना अच्छा क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या फॉर्मूला होता है। आपको पता है डिस्टेंस का इन्वर्सली रिलेशन होता है कैपेसिटेंस का, पहला तो होगा ही नहीं,
इसमें ए अपॉन डी होगा ही नहीं, ठीक है। एक आप यहाँ पर म्यू अपॉन ए होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर एप्सिलॉन नो एप्सिलॉन आर अपॉन ए अपॉन डी। फिर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया, इन केस ऑफ डीसी जनरेटर द क्रिटिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द, अब फिर क्रिटिकल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है फील्ड के होता है, आर्मेचर का तो कोई मतलब नहीं है क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ब्रश का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, रेजिस्टेंस लोड का अलग रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन एसी सर्किट द डैश रेशियो ऑफ के वी ए अपॉन के वी, तो आपको पता है कॉस फाइव का टू क्या होता है, के डब्ल्यू अपॉन के वी ए, तो कॉस फाइव क्या बोलते हैं हम, पावर फैक्टर ही तो बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, पावर फैक्टर आपको पता है यूनिटी पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, एक होता है, लैगिंग क्या होता है, लेस देन एक होता है, ठीक है, और लीडिंग क्या होता है, लीडिंग में क्या होता है, ग्रेटर देन वन होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, लीड ग्रेटर देन वन, लैग लेस देन वन और यूनिटी एक होता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर मैं नेक्स्ट आपको लाता हूँ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, और आपको इस चैनल पे नया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके, और अभी मतलब बीआरसी का एग्ज़ाम आने वाला है, बीपीसीएल का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लें, आर ए पॉइंट के नाम से चैनल है, ठीक है, और मैं बहुत सारा क्वेश्चन लाता हूँ, इससे पहले भी 4-5 वीडियो चैनल पर है, इसी का और भी बहुत सारे वीडियो जो कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं, तो उसको भी आप जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें और खुद को देखें। दोस्तों आज के वीडियो में बस नए मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।